पहली बात तो खजुराहो आने का मकसद मेरा मंदिर देखना था, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे ज़रूर जाना है, क्योंकि इंडिया वैसे ही सो रिच इन कल्चर, और मुझे ये देखना ही था। और फिर सच में था जो कि यहाँ से जब मुझे आया था कि आप आइए फिल्म फेस्टिवल में आइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आकर इतने अच्छे एक्टर्स के साथ में बातें कर कर स्टेज शेयर कर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं टप्पा टॉकीज जा रही हूँ, कुछ बुंदेलखंड की लोकल फिल्में, रीजनल फिल्म्स देखना चाहती हूँ और लैंग्वेज देखना चाहती हूँ कि शायद मैं कुछ सीख पाऊँ। मैं ये कहूँगी कि जो हम लोग शोज़ बनाते हैं, टीवी सीरियल्स बनाते हैं या फिल्म्स होती हैं, वो समाज से ही आती हैं, क्योंकि समाज में से कोई राइटर आता है, कुछ लिखकर जाता है। अब तो बहुत रियल लाइफ स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज पे कहानियाँ बन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज का दर्पण है जो हमारा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तभी ये लिखा जा रहा है। फिर आपको एक ड्रामा क्रिएट करना है, आपको रोज़ एक कमिटेड आधा घंटा लोगों को एंटरटेन करना है, तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ों को थोड़ा खींचा ज़रूर जाता है, लेकिन वो दर्पण समाज का ही वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कितने चैनल्स हैं, स्टार है, अपना जी है, कलर्स है, एंड है, और बतेरी वेब सीरीज़ है, तो जिसका जो मर्ज़ी आता है वो देखता है। लेकिन कॉन्टेंट जो आप कह रहे हैं कि वो TRP की जो भाग दौड़ है, वो डेफिनेटली है, क्योंकि हर जगह पे मनी इन्वॉल्व है, इट्स अ मनी बिजनेस ऑल्सो, कि अगर आपने लोगों को एंटरटेन नहीं करा तो वो तुरंत चैनल चेंज कर देंगे। तो वो उस चैनल चेंज करने की जो हिरस होती है कि नहीं हमें आगे से बेहतर करना है, बस उसी में ही लोग भागते चल जाते हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ें एग्जैक्टरेट होती हैं, खींचती हैं। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि एक ही एपिसोड को, एक ही चीज़ों को ज़्यादा तरीके से खींचा जाता है, लेकिन वो TRP इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक आपके अंदर एक कलाकार है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, वो एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर, वो आपको खींच ही लाती है उस रंगमंच पर। लेकिन ऑफकोर्स आजकल का दुनिया का जो हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, वो औरतों के लिए थोड़ा सा डर पैदा करने वाला है माहौल। लेकिन इन सबसे अगर परे हट के हम करें और कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखें, स्पेशली लड़कियाँ, कि 7 बजे या 6 बजे के बाद कोई मीटिंग ना करें, कहीं शूटिंग पर ना जाएँ, और जहाँ जाएँ अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को इत्तला करके जाएँ, किसी एक जन को अपने साथ लेकर जाएँ, और जिनके साथ भी आप काम कर रही हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर जाएँ कि आप कहाँ जा रही हैं, किसके साथ आपका एसोसिएशन है। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप ध्यान रखें, और जिस चीज़ का आपका मन ना करे करने का, कि मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ इस कैरेक्टर से, या डायरेक्टर आपको फोर्स कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर आपको फोर्स कर रहा है, तो इस चीज़ को कभी ना करें, क्योंकि आज आप यहाँ फोर्स होंगे, कल फिर किसी और चीज़ के लिए फोर्स होंगे, तो वो फोर्स नहीं होना है। जब तक आपका मन ना माने, आपकी चेतना ना कहे आपको कि हाँ ये मेरे लिए सही, तब तक ना करें। जब आपको अपने करियर का एक स्टेटस ऊपर दिखता है, तो दिया और बाती हमने वही किया, मुझे घर घर पहुंचाया, लोगों ने मेरे किरदार को बहुत पसंद किया, अपनी मामी चाची भाभी जैसे ही एक किरदार बना लिया, और इतना पसंद किया कि उन्हें जब मैं कहीं दिखने लगी तो लोगों ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ, अरे तुम कहीं चोरी तो नहीं करोगे, अरे साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, और इसी से ही मेरी बहुत अच्छी शुरुआत हुई। म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, उनका एक म्यूज़िकल है उमराव जान अदा, मैं वो कर रही हूँ, जहाँ पर खानम जान का रोल कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा करता है। और वहाँ पे थिएटर है, तो लाइव सिंगिंग, लाइव डांसिंग और लाइव शो होता है, तो मैं अगले महीने लंदन जा रही हूँ उसको परफॉर्म करने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदुस्तान को बाहर विदेश में जाकर, वो भी ब्रिटिशर्स के बीच में जाकर, अपने चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं।